वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो बारिश के टाइम में हमें करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने पौधों के लिए छप्पर बना लें, बेल स्पेशली बेलों वाली सब्जियों के लिए। ज़मीन पे या कहीं फर्श पर हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि उनमें फंगस, पानी की वजह से फंगस लगने का डर रहता है। मैंने भी ये बना लिया है, अपने पुराने दुपट्टे से ऐसे रस्सियाँ बनाकर ये छप्पर बनाए हैं। और इससे क्या, पौधे में हवा लगती रहेगी, प्रॉपर धूप लगती रहेगी तो सही रहेगा। दूसरा, मैंने इनके जो मिट्टी से टच हो रहे थे जो पत्ते, उनके मैंने प्रूनिंग कर दिए, उनको हटा दिया है क्योंकि मिट्टी से टच होंगे तो 50% जो डिजीज होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो मिट्टी से ही पौधे में आते हैं। एक तो ये काम हमारा ठीक हो जाता है, दूसरा मिट्टी को प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर जो हवा है, वेंटिलेशन प्रॉपर जो होता रहेगा तो फंगस का भोग काफ़ी कम अटैक रहेगा और पौधे भी अपने हेल्दी रहेंगे। खरपतवार वगैरह जो भी रहेगा उनको हम इजीली हटा देंगे और गुड़ाई निराई भी आराम से हो जाएगी। थोड़े दिन बाद में तो इसमें हाथ डालना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी इनको भर भर कर नाइट्रोजन मिल रहा है बारिश के पानी से। तो ये काम आप ज़रूर करें बारिश के टाइम। और एक अपने जो ग्रो बैग हैं, कुछ भी हैं, आप उनमें हॉल्स अच्छे से बना लें जिससे उसमें पानी रुके नहीं। और ये देखिए, ये मेरे से कुकुम्बर ही है, पता नहीं कौन सी वेराइटी है, और ये इसमें अच्छी फ्रूटिंग होने लगी है और बहुत जल्दी लौकी और तुरई में भी फ्रूटिंग होने लग जाएगी। एक महीने पहले की आप वीडियो देखोगे तो मेरी छत ऐसे बंजर पड़ी थी और अब देखिए कितनी ग्रीनरी है। मैंने पेशेंस रखा, मेहनत भी की और जो इतने सालों का अपना एक्सपीरियंस था उससे मैंने इस पर काम किया और मैंने फिर से स्टार्ट किया। और ये देखिए, वापस से मेरी छत हरी भरी हो गई है और इस वाली क्यारी में ये ओवरग्रोथ हो गई है। ओवरग्रोथ तो क्या कहूँ, ये मेरी ही लापरवाही है। मैं जयपुर से बाहर थी और पीछे से अच्छी बारिश से हुई तो ये अच्छी ग्रोथ हो गई है और अब इनको ऊपर चढ़ाना मुश्किल हो गया क्योंकि ये एक दूसरे से बुरी तरह लिपटी हुई है। इनको अगर मैं कोशिश कर रही हूँ अलग करने की तो टूट जाती है। इसके ऊपर मैंने तार का छप्पर बनाया था ताकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड काम हो जाए, पर अब बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मैंने कोशिश की तो बेलों में नुकसान काफ़ी हो रहा है, तो थोड़ा टाइम रहते ही अपने इन बेलों को सपोर्ट दे दें, ऐसी मेरी जैसी गलती ना करें। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे से इतनी बारिश आ जाएंगी। और ये देखिए पॉलिनेटर्स, ये सावन आ रही हैं, इनमें पॉलिनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, अपने आप ही खूब सारे पॉलिनेटर्स होते हैं। लौकी में, तुरई में, इनमें मैं फिर भी करती हूँ, इनमें नहीं करती हूँ, अपने आप ही लग जाते हैं इजीली। और अब इतनी ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से और ये सब इसमें काफ़ी मुश्किल हो रही है। लौकी में तो अब मेल और फीमेल फ्लावर थोड़े थोड़े दिखने लगे हैं, बहुत जल्दी इसमें फ्रूटिंग भी होने लग जाएगी। देखिए छोटी छोटी लौकियाँ भी आने लगी हैं